के बाद आप स्ट्रगल कर रहे हैं रिकवर करने में, या आप फील कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बना गया है, क्योंकि आप सफर कर रहे हो सकते हैं बीमारी से जिसका नाम दिया गया है पोस्ट कोविड सिंड्रोम। अब पोस्ट कोविड सिंड्रोम को कुछ लोग क्रॉनिक कोविड कहते हैं, लॉन्ग कोविड कहते हैं, लेट सीक्वले ऑफ कोविड कहते हैं, या बहुत सारे अलग नामों के साथ जाना जाता है। बट आखिर ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम होता क्या है? पोस्ट कोविड सिंड्रोम जनरली होता है कोविड होने के 4 से 5 हफ्ते बाद। मींस कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कोविड होने के 4 से 5 हफ्ते बाद होते हैं, और ये हो सकते हैं एक्यूट केसेस ऑफ कोविड में भी, पेशेंट्स जिनको काफी सिवियर बीमारी हुई थी, पेशेंट्स जिनको माइल्ड बीमारी हुई थी, या ऐसे भी पेशेंट्स में हो सकता है जो एसिम्टोमेटिक थे, जिनको कोविड के कोई सिम्टम्स नहीं हुए थे। तीनों ही कैटेगरी ऑफ पीपल में पोस्ट कोविड सिंड्रोम हो सकता है। अब सेकेंड डेफिनेशन क्या होती है पोस्ट कोविड सिंड्रोम की, कि आप ये डिस्क्राइब करेंगे कि जैसे आप कोविड से पहले थे, कोविड के बाद आप फुल हेल्थ नहीं फील करते हैं, या फिर जितना हेल्दी आप कोविड से पहले फील करते थे उतना हेल्दी आप पोस्ट कोविड नहीं फील करते हैं। अगर ऐसा भी डेफिनेशन है आपका, तो भी वो पोस्ट कोविड सिंड्रोम के अंदर आ जाता है। या फिर कुछ ऐसे नए साइंस या सिम्टम्स या ऐसे रिकरेंट प्रॉब्लम्स या न्यू प्रॉब्लम्स आए हैं आपके बॉडी में जो कि आपको कोविड के बाद आए हैं, तो तभी भी हम ये डेफिनेशन देते हैं कि ये आप पोस्ट कोविड सिंड्रोम से सफर कर रहे हैं। तो ये तो हुए डेफिनेशन, लेकिन आखिर ऐसे साइंस सिम्टम्स पोस्ट कोविड क्या होते हैं? सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ने बहुत सारे ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स बनाए हैं, बहुत बड़ी 200 सिम्टम्स की ये लिस्ट है, और जो कि एवर एक्सपेंडिंग है बेस्ड ऑन डेटा जो कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि पोस्ट कोविड सिंड्रोम अभी भी बहुत ही ज्यादा रिसर्च्ड टॉपिक है। लेकिन उनमें से कॉमन पोस्ट कोविड सिंड्रोम प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स क्या हैं, वो है मलेज हो सकता है, बॉडी एक होता है लोगों को, थकान फील होती है, पेन होता है, जॉइंट पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, लेग पेन हो सकता है, हेडेक होता है, लाइट हेडेडनेस होती है, आर्थ्रैल्जिया जॉइंट पेन जिसको हम बोलते हैं वो होता है, फीवर जैसा फील हो सकता है, फेब्राइल बोलते हैं हम टेक्निकली उसको, फीवर जैसा फील होता है, वीकनेस फील होती है, बॉडी पेन्स बहुत कॉमन है। सो ये सब मेजर कॉमन सिम्टम्स हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम के। बट ये आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है, पोस्ट कोविड सिंड्रोम की इतनी वैलिडेशन क्यों है? क्यों है? क्योंकि पोस्ट कोविड सिंड्रोम में रिसर्च अभी भी ये चल रही है कि ये आपकी बॉडी में हर ऑर्गन को डैमेज करने की क्षमता रखता है, चाहे वो हार्ट हो, लंग्स हो, किडनी हो, स्किन हो, ब्रेन हो, जॉइंट्स हो, या फिर आपने साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स भी कॉज करने की क्षमता रखता है। साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स में मूड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, एंग्जाइटी होती है कुछ लोगों को। तो ये सब कॉमन ऑर्गन्स हैं जिसको मल्टीपल ऑर्गन्स हम नाम दे देते हैं, मल्टी ऑर्गन डैमेज क्षमता रखता है कोविड। तो रीजन क्या है? ड्यूरिंग कोविड हुआ क्या था, आपकी बॉडी में एक ऑटो इम्यून रिएक्शन जनरेट हुआ था। अभी ऑटो इम्यून रिएक्शन क्या था कि कोविड इन्फेक्शन जब हुआ तो बॉडी ने एक रिस्पॉन्स जनरेट करा, फाइटिंग रिस्पॉन्स उस कोविड वायरस के अगेंस्ट। जब ये रिस्पॉन्स जनरेट किया तो उसने कोविड के लिए तो अटैक किया, लेकिन आपके बॉडी के अपने सिस्टम को भी डैमेज किया, जो कि देखा गया था लंग्स डैमेज हो रहे थे बहुत लोगों के, हार्ट डैमेज हो रहे थे। तो इसको कहते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन, जहां पर बॉडी की फाइटिंग पावर जो है वो कोविड के साथ साथ आपकी बॉडी को भी डैमेज करती है। तो रिसर्च इस बात पे चल रही है कि ये ऑटो इम्यून रिएक्शन क्या ये ऑनगोइंग ऑटो इम्यून रिएक्शन बॉडी में चल रहा है। अगर ये ऑनगोइंग ऑटो इम्यून रिएक्शन बॉडी में चल रहा है एक्टिवली, तो ये पोटेंशियल थ्रेट है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, जैसे कि मैंने बोला हार्ट, लंग्स, किडनीज, स्किन, ब्रेन, जॉइंट्स, या फिर साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स भी आपके अंदर कॉज कर सकता है। और इसीलिए पोस्ट कोविड सिंड्रोम की इतनी बड़ी रेलेवेंस है, और इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। फ्रॉम इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव इटसेल्फ इट इज वेरी नेसेसरी। ओके, इन्फॉर्मेशन तो हो गई, लेकिन इसकी बाकी रेलेवेंस क्या है? पोस्ट कोविड सिंड्रोम आपको पता चल गया, आपने समझ लिया, लेकिन उसके बारे में एक्शन प्लान क्या है? कोई भी वीडियो एक्शन प्लान के बिना नहीं कंप्लीट होता है। तो अब आपको क्या करना है? सो आप 4 चीजें कर सकते हैं। पहली चीज है कि
कि आप डेंजर साइंस को मॉनिटर करें। डेंजर साइंस क्या होते हैं? जैसे पैल्पिटेशन हो रहा है, दिल धड़क रहा है, आपको हार्ट के एरिया में पेन होता है, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है जिसको बोलते हैं डिस्निया बोलते हैं हम, आपको ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, तो ऐसे डेंजर साइंस अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आपको इमीडिएटली अपने फैमिली फिजिशियन को या ट्रीटिंग डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड चीज आप जो कर सकते हैं, अपना फुल बॉडी ब्लड एंड यूरिन पैनल ऑन अ रेगुलर बेसिस करवाते रहें, 6-8 महीने में एक बार फुल ब्लड वर्कअप एंड यूरिन पैनल करवा लें ब्लड टेस्ट में, ताकि आपको ये पता चल जाए कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं जनरेट हुई है जो पहले नहीं थी, अब आ गई है, एटलीस्ट एक बेसिक लेवल पे, बड़े लेवल पे आपको एक आइडिया पता चल जाएगा। ये डेफिनेटिव नहीं होता है बट यस इंडिकेटिव बोलते हैं हम इसको। देन थर्ड होता है न्यूट्रिशन, तो आपको प्रोटीन्स अपनी डाइट में इंक्रीज करने चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्रीज करने चाहिए। अब हुआ क्या था, कोविड का वायरस एक जनरल टर्म्स में बहुत एक हैवी वायरस था, क्योंकि आपकी बॉडी की बहुत ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज हुई थी उससे फाइट करने के लिए, तो आपकी बॉडी में एक फटीग सेट इन हो गया है, एक बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिशन सेट हो गया, तो उस न्यूट्रिशन को रिकवर करने के लिए आपको हैवी प्रोटीन डाइट, माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच डाइट कंज्यूम करनी चाहिए। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट होता है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, वाटर जिसको हम बोलते हैं। वाटर की इंपॉर्टेंस सबसे अंडर एस्टिमेटेड इंपॉर्टेंस है, बट वाटर इटसेल्फ 60% बीमारियों का इलाज होता है, ओनली इलाज नहीं होता है, लेकिन 60% ऑफ दी बीमारियों में वाटर एक कॉम्प्लीमेंट्री इलाज होता है जो जरूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर ही होता है, तो वाटर एसेंशियल कॉम्पोनेंट है। और अगर आप घर पे बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफिस में बैठते हैं, तब भी मिनिमम 3 लीटर वाटर पर डे कंज्यूम करना मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्वेट आउट कर रहे हैं, तो उससे भी ज्यादा, लेकिन बैठे बैठे भी आपको 3 लीटर पर डे वाटर लेना ही चाहिए गिनती का। तो ये 4 चीजें आप कर सकते हैं, तो इससे हमारा ट्रीटमेंट प्लान या प्रिवेंटिव प्लान ऑफ पोस्ट कोविड सिंड्रोम खत्म होता है। एंड आई होप आप इस वीडियो को समझेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, याद रखेंगे और इसको महत्वपूर्णता से, एटलीस्ट प्रिवेंटिव केयर जो मैंने बताई है और ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज बताई है वो चीजें एड्रेस करेंगे। मैंने कोई दवाई नहीं लिखी है, बहुत देसी नुस्खा बताया है जिससे कि आप पोस्ट कोविड सिंड्रोम पे चेक रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।